मित्रपाल राणा राज्य प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ 27 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग करनाल में हुई थी, जिसमें हमने निर्णय लिया गया था कि जो सरकार टूरिज्म की बेस कीमती ज़मीनों को अपने चहेतों को बेचना चाहती है, उसके विरोध में हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष के 10 और 11 तारीख को, 6 और 7 तारीख को हमने MLA को ज्ञापन दिए। उसी कड़ी में हमने 10 और 12 तारीख तक सभी DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे और हमारी मांग है कि टूरिज़्म की जो बेस कीमती ज़मीन है उसको ठेके पर ना दिया जाए और जो हमने अपने सुझाव दिए थे उन सुझाव को दरकिनार न करके इस टूरिज्म विभाग को लोन के रूप में 100 करोड़ रुपया दिया जाए, ताकि कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे पास डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ रुका हुआ है उनकी हम सेवा कर रहे हैं और उसी आड़ में हमारे को दो दो तीन तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है और जो उस कोरोना की आड़ में जो हायर मैनेजमेंट और पॉलिटिशियन इस विभाग को बेचना चाह रहे हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि टूरिज़्म 200-300 करोड़ के घाटे में। ऐसा नहीं है, 18-19 की बैलेंस शीट कहती है कि टूरिज़्म 2 या 3 करोड़ के घाटे में था और लगातार उसके बाद भी हमने इन डॉक्टर की पैरामेडिकल की सेवा करते हुए इस विभाग को बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो आगे भी बचाएंगे और हमारी अपील है कि इस विभाग को निजीकरण न किया जाए और जल्द से जल्द जो हमारी तनख्वाह है वो दी जाए और निजीकरण पर रोक लगाई जाए।